दुनिया में हर इंसान बड़ा बनने का सपना देखता है, कुछ बड़ा करने का सपना देखता है, लेकिन कुछ ही लोग अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किस वजह से लोग अपनी जिंदगी की कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते? दरअसल ये हमारी ही आदतें होती हैं जो हमें बड़ा बनने से, कुछ कर गुजरने से रोकती हैं। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि हमारी कौन सी आदतें हमारे लिए ही नुकसानदायक साबित होती हैं। इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। पास ही में एक घर था। दोनों घर के पास पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकला जिसे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। महात्मा ने उससे कहा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमें खाना मिल सकता है? उस आदमी ने उन दोनों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस महात्मा ने कहा, तुम्हारी खेतों की ये जमीन बहुत ही उपजाऊ है। फसल को देखकर लगता है कि तुम खेतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और तुम्हें अपने खेत में ज्यादा फसल भी नहीं बोई है, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, उस दूध से हमारा गुजारा हो जाता है। रात होने लगी थी इसलिए दोनों वहीं पर रुक गए। रात को उस महात्मा ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हमें अभी ही यहाँ से चलना होगा और चलने से पहले उस आदमी की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु के इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने उनकी बात को भी नहीं टाली। ये दोनों उस आदमी की भैंस को मारकर रात को ही वहां से चले गए। यह बात उस शिष्य के मन में खटकती रही। कुछ सालों बाद जब वह सफल आदमी बन गया तो उसने सोचा कि क्यों ना उस आदमी से मिला जाए और अपनी गलती को सुधारने के लिए उसकी मदद की जाए। वह शिष्य उस खेत के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां खाली पड़े खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुके थे। उसे लगा कि भैंस के मरने के बाद वह आदमी सब कुछ बेचकर चला गया होगा। यह सोचकर वह वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा कि और उसके पास जाकर बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ आपसे मिलने आया था। वह आदमी बोला, हाँ मुझे याद है, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, तुम लोग तो बिना बताए ही चले गए थे। उस रात न जाने कैसी मेरी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। उस शिष्य ने पूछा, उसके बाद आपने क्या किया? उस आदमी ने बताया कि पहले तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में मैं बेचने लगा। उससे कुछ पैसे मिले तो मैंने बीज खरीद कर खेतों में बो दिया। उससे फसल काफी अच्छी हो गई। उससे जो पैसे मिले मैंने उन फसलों से फलों के बगीचे लगाने का इस्तेमाल किया। यह काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और इस समय मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह सब कुछ ना हुआ होता, अगर उस रात भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य ने पूछा, यह काम आप पहले भी तो कर सकते थे? उस आदमी ने कहा, हाँ मैं कर सकता था, लेकिन मेरी जिंदगी बिना मेहनत के ही चल रही थी, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में भी तो कोई ऐसी वजह नहीं जो आपको बिना वजह ही बड़ा बनने से रोक रही है। अगर ऐसा है तो आज ही उस आदत को छोड़ दीजिए। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल, लेकिन असंभव तो नहीं? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस असंभव को संभव करके दिखाया है। अब आपको फैसला करना है कि आप एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, एक बड़ी जिंदगी जीना चाहते हैं, या फिर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देना चाहते हैं।